काल में वो भारत के साथ है। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो भारत की हर संभव मदद करना चाहता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से संदेश दिया गया है कि वो वेंटिलेटर, बाइपैप मशीनें, डिजिटल एक्सरे मशीन, पीपी किट और दूसरे जरूरी मेडिकल सामान फौरन भारत के अस्पतालों को भेजना चाहता है। पाकिस्तान की सरकार ही नहीं, वहां की दूसरी संस्थाएं भी मदद का हाथ लेकर आगे आई हैं। पाकिस्तान की जानी मानी समाज सेवी संस्था ईदी फाउंडेशन ने भारत को एम्बुलेंस भेजने की पेशकश की है। किसान से भारत के लिए मुश्किल वक्त में खैर सगाली का जज्बा। फैसल ईदी ने भारत में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 50 एम्बुलेंसेज फराहम करने की पेशकश कर दी है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मदद के लिए खत लिखा। आपको आज हमने बाहरी मुल्कों से टीके मंगाए जा रहे हैं, बावजूद इसके पाकिस्तान इंसानियत का धर्म निभाना नहीं भूला है। जबकि अमेरिका हर मंच पर भारत को सच्चा दोस्त बताता था, लेकिन जब संकट आया तो वो दोस्ती था। पाकिस्तान वालों, ये लास्ट वार्निंग है तुम्हें एक इंडियन सिख से। इतना ज्यादा प्यार किया ना तो लाहौर आके जफ्फी डाल लेनी है तुम लोगों को। बाबा जी पाकिस्तान आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में? हर दर्द की दवा है दवा, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि उस अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, कोई भतीजा, कोई दामाद और कोई नहीं है, एक है अल्लाह। और इस तरीके से हमें अल्लाह की इबादत से, जिसे हम इस्लाम